हेलो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो क्लास थर्ड की जो मैथ्स की क्लास रुक गई थी आपकी, अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी ये क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास की मैथ्स की बुक, यानी कि मैथ्स मैजिक की। इस बुक से थर्ड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज मैं करवाने वाला हूँ आपको फोर्थ चैप्टर। और ये फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट बेटा आपकी क्लास की मैथ्स की बुक का ये फोर्थ चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है? तो काफी दिनों बाद आपकी मैथ्स की क्लास हो रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ और नोटबुक वगैरह जो भी चीजें हैं उसे लेके बैठो। तो पहले वीडियो पॉज करो और ये सारी चीजें इकट्ठा कर लो एक बार। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो जैसे इस चैप्टर का टाइटल है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मेजरमेंट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ मेजर करेंगे कि लॉन्ग कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है, ये हम लोग मेजर करने वाले हैं, ठीक है? जैसे ये चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो इट मीन्स हम लोग कुछ लॉन्ग और शॉर्ट चीज मेजर करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इस बुक के अंदर है वो कुछ इस तरह से है। और हाँ, इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको अपनी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। कहोगे सर ऐसा क्या क्वेश्चन है? चलो रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मेजर क्वेश्चन नंबर वन, ये रहा क्वेश्चन नंबर वन लिखना है, ठीक है? और हेडिंग लिखोगे चैप्टर फाइव लॉन्ग एंड शॉर्ट। और बेटा ये क्या है, ये मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं और सेकंड पार्ट इसका बाद में आएगा, ठीक है? ये क्या है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो लिखोगे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन, चैप्टर वन, चैप्टर आपका ये फिफ्थ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा। और क्वेश्चन है मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, यानी क्या आपने करना क्या है इसके अंदर, अपने अपना हाथ और अपनी मम्मी का हाथ दोनों को मेजर करना है। देन उसके बाद जब मेजर कर लोगे उसके बाद बताना है व्हाट इज डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आ रहा है ये बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले काम क्या करोगे, अपना हैंड, यानी कि पहले लिखोगे, आंसर लिखने के बाद लिखोगे माई आर्म्स लेंथ, माई आर्म्स लेंथ लिखोगे, ठीक है? और जो भी आया उसे लिखोगे, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, जो भी आ रहा है। मैं ज़ूम करके चल रहा हूं कि आपका जो लेंथ है, सपोज करता हूं मैं 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है? ऐसे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके हाथ का जो हाथ की जो लंबाई है, लेंथ है, वो मैंने अज्यूम कर लिया कितना आ रहा है, 50 सेंटीमीटर आ रहा है। कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। अब ये कैसे पता लगेगा, ये जब खुद मेजर करोगे जब पता लगेगा, ठीक है? मैंने कि एग्जांपल के रूप में 50 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जब अपना हाथ मेजर कर लोगे, करने के बाद अपनी मम्मी का हाथ भी मेजर करना है, और उसके बाद लिखोगे इसके नीचे माई मदर्स आर्म, लिखोगे माई मदर्स आर्म्स लेंथ, ठीक है? क्या लिखोगे, मैं मदर्स आर्म्स लेंथ, और सपोज वो मैं मान लेता हूं 90 आ गया, 90 सेंटीमीटर आ गया, आपका 50 आ गया, अब मदर का 90 आ गया। ये मैं अजूम करके चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं, ये कम ज्यादा भी आ सकता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या करनी है, आपको अपना और अपनी मम्मी का हाथ की जो लंबाई है, लेंथ जो है, उसे मेजर करना है। और मेजर करने के बाद इस तरह से लिखना है माई आर्म्स लेंथ, माई मदर्स आर्म्स लेंथ, सपोज मैंने मान लिया 90 आ रहा है, तो यहां पे ज्यादा किसका आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी मम्मी का हाथ आपसे लंबा होगा। तो डिफरेंस में क्या दिखेगा कि भी मम्मी का आर्म, ऑब्वियस है भी मम्मी बड़ी है तो उनका हाथ भी लंबे होंगे। तो आप नीचे आंसर में लिख सकते हो माई आर्म्स इज शॉर्टर देन माई मदर्स आर्म। क्या नीचे लिखोगे, माई आर्म्स इज शॉर्टर देन माई मदर्स आर्म, यानी कि आपके यहाँ जो हाथ है आपकी मम्मी के हाथ के कंपेरिजन में क्या है, छोटा है। तो जैसे मैं इसमें कंडीशन क्या लगा सकता हूं, कंडीशन में लिख सकता हूं कि माई जो, यानी कि आपका हाथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है, और मम्मी का कितना है, 90 है। तो बड़ा क्या है यहाँ पे, बड़ा 90 है, और छोटा क्या है आपका, यानी कि आपका जो 50 है, 50 स्मॉलर है। तो इस तरह लिखोगे 50 इज लेस देन 90, ठीक है? तो इस तरह से लिख सकते हो माई आर्म इज शॉर्टर देन माई मदर्स आर्म। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, इस क्वेश्चन को करते टाइम जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी
उसके बाद अपना और अपनी मम्मी का हम लेंथ मेजर करना है, और मेजर करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना लेंथ कितना आ रहा है, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने एक्चुअल में किया भी है या नहीं भी किया मेजर। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आंसर लिखोगे, अगर मेजर नहीं करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने मेजर नहीं किया है। ठीक है, तो ये काम सबको करना है, क्लियर। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह से ये है क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, डायग्राम को अच्छे से देख लो। ठीक है, डायग्राम देख लिया। तो इस डायग्राम के अंदर जैसा देख रहे हो एक बच्चा है और वो मेजर कर रहा है कुछ, और किससे मेजर कर रहा है, स्केल से नहीं अपने पैरों से मेजर कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसे हेडिंग क्या है, हेडिंग लिखा गया हाउ मेनी, हेडिंग में क्या लिखा गया ये देखो, हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप इसको यहां तक पहुंचने में लगेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चा है इसका नाम है डोरजी, क्या नाम इसका, डोरजी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल डोरजी क्रॉस द रोड। ये डोरजी को रोड क्रॉस करना है, ठीक है, यहां से ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको यहां से यहां जाना है, और ये क्या कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि भाई रोड क्रॉस करते टाइम इसको कितने स्टेप लग सकते हैं, तो ये आपको रफली मेजर करके बताना है। जैसे मैं मेजर करता हूं उसके आंसर, किस आंसर के लिए, तो यहां पर ये सपोज ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा, सेवन्थ हो जाएगा, एट हो जाएगा, जैसे मैं इधर मेजर कर रहा हूं। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे हिसाब से तो सर 89 हो जाएगा, कुछ बच्चों के हिसाब से 10 भी हो जाएगा। तो रफली मैंने आंसर यहां पे क्या लिख दिया है, आंसर मैंने यहां लिख दिया है कि आंसर डोरजी माइट क्रॉस द रोड विद 10 स्टेप। मैंने क्या लिखा है, 10 लिख दिया, रफली लिख दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, एग्जैक्टली मेजर करके आपको अपनी बुक से मेजर करके लिखना है। तो जैसे मैंने यहां पे किया, देखो यहां पे जो मैंने किया, वन स्टेप यहां आया, सेकंड स्टेप यहां आया, थर्ड इधर आया, फोर्थ इधर आया, फिफ्थ इधर आया, सिक्स्थ यहां आया, सेवंथ और एट, इट मींस 8 स्टेप में ये हो गया जब मैंने मेजर किया। तो आप लोग भी क्या करोगे, इसे मेजर करोगे कि आपके हिसाब से कितना आएगा। तो जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूं यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे 8 स्टेप आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 8 स्टेप आ रहा है यहां पे। तो मैं यहां पे मैं इसे करेक्ट करके क्या लिख सकते हैं, यहां पे 8 स्टेप लिख सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी क्या लिख सकते हो आंसर में, कि डोरजी माइट क्रॉस द रोड इन 8 स्टेप, 9 स्टेप या फिर 10 स्टेप। तो एग्जैक्टली तो भी कहना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से स्टेप छोटे बड़े हो सकते हैं। तो मैंने रफली यहां पे कितना लिख दिया है, रफली मैंने लिख दिया 10 स्टेप। ठीक है, तो आप लोग को ये अपने आंसर खुद से लिखना है क्रॉस करके, मेजर करके। जैसे मैंने मेजर किया तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने हिसाब से इसे मेजर करना अपनी बुक के ऊपर पेंसिल और स्केल की हेल्प से इसे मेजर करना, और फिर बताना कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने भी मेजर किया तो कितना है, 8 आया। ठीक है, तो मैं यहां 10 को काट के यहां पे क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। इट मींस डोरजी माइट क्रॉस द रोड इन 8 स्टेप। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को खुद से करना है बेटा, ठीक है, कैसे करना है ये मैंने बता दिया भाई, कैसे करना है, इसको मेजर करना है कि भाई हाउ मेनी स्टेप विल डोरजी टुक टू रीच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रोड, यानी कि वन साइड से सेकंड साइड पे पहुंचने के लिए उसे कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ये लिखना है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा, अब ये चाहते हो कि सर मैं इसको 10 को ठीक कर दूं, चलो भाई अब आप लोग कह रहे हो तो इस 10 को हटा के यहां पे एक मिनट क्या कर देता हूं, यहां पे 8 कर देता हूं, ये चाहते हो, ये लो भाई, अब ठीक है, अब सही हो गया, 8 स्टेप हो गया। ठीक है भाई, ये लो, ठीक है, मैंने 8 स्टेप कर दिया, क्योंकि मैंने जब मेजर किया तो कितना आ रहा है मुझे, 8 आ रहा है मेरा, तो मैंने यहां पे क्या किया, 8 कर दिया, और ये सब चीजें हटा देते हैं। ठीक है, अब ठीक, तो अब कितना हो गया, 8 स्टेप हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने काउंट किया। लेकिन अगर आपका कम भी आएगा तो आप लिख सकते हो 7 स्टेप, किसी का ज्यादा भी आ सकता है, सर हमारा तो 11 स्टेप आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसे आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए, और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कप, ये देखो यहां रीड कर रहा हूं मैं, देखो ये देखो मिला, हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ दिस टेबल। अब ये जो टेबल गिवन है इसमें बताना है कि ऐसे कितने कप को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, 3 कप ऑलरेडी गिवन है मेरे पास,
ये देखो 3 कप हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मिला। ये देखो फर्स्ट कप यहां तक आ रहा है, सेकंड कप यहां आ रहा है, थर्ड यहां आ रहा है, फोर्थ सपोज यहां आ जाएगा, फिफ्थ सपोज यहां आ जाएगा, सिक्स्थ यहां आ जाएगा, और सेवन, और यहां तक क्या आ जाए, एट आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट कप यहां पे आ रहा है, सेकंड यहां पर आ जा रहा है, थर्ड यहां पे आ जाएगा, फोर्थ यहां पे आ जाएगा, फिफ्थ यहां, सिक्स सेवन एंड दिस वन एट। तो आप ये बोल सकते हो आंसर में अराउंड 8 कप्स कैन बी प्लेस इन अ टेबल ऑन दिस, ऑन ए लाइन ऑन दिस टेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है, और नोट करने के बाद ये जो डायग्राम गिवन है ना टेबल एंड कप, तो इस टेबल एंड कप को ड्रॉ करना है, और ड्रॉ कितने करने हैं आपने, जितने कप एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, यहां तो ऑलरेडी 3 कप्स गिवन है, बट आप 3 नहीं ड्रॉ करोगे, जितने आपके वन लाइन में आएंगे उतने ड्रॉ करोगे। इट मीन्स यहां पे भी फोर्थ कप ड्रॉ करोगे, फिर फिफ्थ कप ड्रॉ करोगे, फिर उसके सिक्स कप ड्रॉ करोगे, फिर सेवंथ और एट, यानी कि टोटल 8 कप्स आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। कितने, 8 कप्स ड्रॉ करने हैं आप। ठीक है, फिर नीचे आंसर में लिख दोगे कि अराउंड 8 कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल, यानी वन सिंगल लाइन के अंदर कितने कप आ जाएंगे, 8 कप आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो ना, क्वेश्चन लिखना है, नंबर ऑफ कप काउंट करने हैं, और नीचे आंसर लिख देना है। ठीक है, इजी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 इस बुक का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पिक्चर ध्यान से देखो, इस पिक्चर में क्या गिवन है। ठीक है, देख लिया ठीक से। अच्छा, इसमें ट्री गिवन है, ट्री के अलावा और क्या गिवन है, पोर्ट गिवन है, A1 ने 2 पोर्ट गिवन है। अच्छा, और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो मैं रीड करता हूं। ठीक है, अभी नोट नहीं करना है, पहले समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद नोट करना है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए ये है, हाउ मेनी पोर्ट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच, यानी ट्री का जो ये ब्रांच है ना, ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं, यहां तक अगर मुझे पहुंचना है विद हेल्प ऑफ दीस पोर्ट, देन हाउ मेनी पोर्ट्स रिक्वायर्ड टू रीच द ब्रांच, यानी कि ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए हमें कितने ऐसे पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सपोज मैंने जो लिखा है, ये देखो 2, सपोज यहां तक 2 लग रहा है, फिर नेक्स्ट 2 सपोज यहां तक लग गया, ठीक है, कुछ यहां तक, और नेक्स्ट 2 में यहां तक आ जाएगा, यानी कि ये हुआ 1, 2, यहां पे 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5 और 6। इट मीन 6 पोर्ट की हमें जरूरत पड़ रही है ताकि मैं वहां तक ऊपर तक, यानी कि ब्रांचेस तक पहुंच सकूं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर देन थर्ड, फोर्थ, और यहां पे फिफ्थ और सिक्स। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करोगे, 6 पोर्ट यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, पहले क्या करोगे, इसमें 6 पोर्ट्स को यहां पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, कितने, 6 पोर्ट को, 2 ऑलरेडी गिवन है और रिमेनिंग 4 यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, यहां पे थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड देन सिक्स। तो ये टोटल 6 पोर्ट को यहां ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद आंसर लिखना है यहां पे, बहुत इजी सा आंसर लिखना है, कि जैसे पूछा है यहां पे कि कितने पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग आंसर में लिख सकते हो 6 पोर्ट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच, यानी ट्री ब्रांच की तक पहुंचने के लिए हमें 6 पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। 2 ऑलरेडी गिवन है, 4 और ड्रॉ कर लोगे, तो टोटल 6 पोर्ट ड्रॉ हो जाएंगे, तो हम लोग पहुंच सकते हैं ब्रांचेस तक। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोर्ट बताने थे हमें, हम लोगों ने बता दिया। हाँ, और जो डायग्राम गिवन है जिसमें ट्री गिवन है, पोर्ट गिवन है, ठीक है, तो 2 पोर्ट तो ऑलरेडी गिवन था, बाकी रिमेनिंग 4 आप लोगों को ड्रॉ कर देना है। ठीक, कर सकते हो, इजी है। चलो अब इसे वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ठीक है, अच्छे से नोट करना, डायग्राम को ड्रॉ भी करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक यूनिक डायग्राम है, पहले तो डायग्राम समझाता हूं क्या है। हम लोग कपड़े सूखने के लिए देते हैं ना, तो एक रस्सी बांध देते हैं घर में, ठीक है, एक रस्सी बांध देते हैं और उसके ऊपर कपड़े डाल देते हैं, और क्या करते हैं, क्लिप लगा देते हैं। ये देखो क्लिप लगी हुई है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है क्वेश्चन, चलो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए, नोट करो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, हाउ
हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर, ये जो वायर है जिसके ऊपर ये क्लोथ यानी शर्ट हैंग की गई है यानी कि टांग दी गई है सूखने के लिए, तो आपको ये बताना है कि इस सिंगल सिंगल वायर के ऊपर कितने शर्ट को हैंग कर सकते हो, ठीक है, सूखने के लिए डाल सकते हो। तो वन ऑलरेडी गिवन है, बाकी के लिए पता लगाना है। तो चलो देखते हैं भाई कितने डाल सकते हैं। देखो फर्स्ट तो यहां तक आ गया, स्टार्टिंग यहां से लेकर यहां तक है, तो सेकंड मान लो यहां तक आ गया, ठीक है, और थर्ड यहां तक आ जाएगा। इट मींस मैं कह सकता हूं यहां पे फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो जाएगा और फिर बाद में यहां पे थर्ड आ जाएगा। तो टोटल कितने शर्ट हम डाल सकते हैं, 3 शर्ट्स हम लोग यहां पे हैंग कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं सूखने के लिए डाल सकते हैं इसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें ये बताना था कि कितने शर्ट को आप यहां पे सूखने के लिए डाल सकते हो, ठीक है, बहुत इजी था। तो इसमें ऑलरेडी वन तो ऑलरेडी डाला हुआ है, बाकी दो जो डायग्राम है सेकंड एंड थर्ड का जो डायग्राम है इसको कॉपी करके बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये फर्स्ट डायग्राम गिवन है एज इट इज ऐसे ही डायग्राम आपको यहां ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे मैं ट्राई करता हूं, अच्छी ड्राइंग तो नहीं होगी मेरे से, ये ट्राई करता हूं कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, कुछ फिर कुछ इस तरह से, और फिर यहां कुछ इस तरह से। चलो बन तो गई मुझसे भी भाई, ठीक है, और कुछ इस तरह से ये बन गई शर्ट, ठीक है, ये सेकंड हो गई शर्ट हो गया। और थर्ड वाला भाई खुद से कंप्लीट कर लेना, और यहां पे क्या करना है हमें एक क्लिप और ड्रॉ कर देने हैं, तो ये बन गई भाई क्लिप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऐसे थ्री शर्ट्स हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, वन ऑलरेडी गिवन है, सेकंड मैंने ड्रॉ कर दिया, थर्ड आप लोग ड्रॉ कर लोगे। तो आंसर क्या लिखोगे इसके अंदर, जो सॉल्यूशन में आंसर लिखोगे 3 शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर, यानी इस वायर के ऊपर हम कितने शर्ट डाल सकते हैं, 3 शर्ट डाल सकते हैं। दिस वन इज फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला यहां पे, और थर्ड यहां पे, और चाहो तो यहां पे कलर भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में भी कुछ ऐसा ही होगा शायद, चलो देखते हैं भी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ डायग्राम है, और इस डायग्राम में भी कुछ मेजर करने जैसा है, ठीक है, और उसके बाद हमें बोला गया भाई इसे कंप्लीट करो, क्या है, तो इसमें बोला गया था आपको कि फिल इन द ब्लैंक। और ये जो बोल्ड कलर में जो लिखा है ना बेटा, मैंने ये यहां 4 लिखा है, यहां 7 लिखा है, और लास्ट में ये 15 लिखा है, ये आंसर थे जहां पे मैंने अभी तो फिल कर दिया है, पर अभी मैं समझाऊंगा कैसे फिल किया इसे मैंने, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ये मैं नंबर डाल देता हूं, 6 का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, और उसके बाद ये नेक्स्ट जो होगा ये थर्ड पार्ट होगा। इट मींस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 पार्ट में क्वेश्चन गिवन है। तो पहले लिखोगे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक, देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, उसके बाद ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जब ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए, पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस लाइंस को जो ये गिवन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंसेस गिवन है, इसको नोट कर लेना है। अच्छा चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें। द लीफ इज डैश सेंटीमीटर, अब लीफ कितने सेंटीमीटर का है हमें ये बताना है। तो चलो भी देख लेते हैं, काउंट करते हैं, ये रे लीफ, और ये देखो 1 सेंटीमीटर यहां, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक मिनट दोबारा लिख देता हूं मैं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये यहां तक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आया ये, 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया यहां पे, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैसे पता लगा, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, 3 मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, इसको 4 बना देता हूं, ठीक है। चलो अब हो गया ठीक, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ये लीफ है हमारे पास, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों से बोला जा रहा है द वैक्स कलर, ठीक है, द वैक्स कलर इज 7 डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा ये भी मुझे गैस करना है, जो आप लोग क्रियॉन्स वगैरह यूज करते हो ना उसके बारे में पूछा जा रहा है भाई वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो देखो भाई ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कितना हो गया, ये यहां से स्टार्ट होकर के आप लिख सकते हो 7
सेंटीमीटर, कितने हैं 7 सेंटीमीटर। कैसे हम लोगों ने मेजर किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ भी करना है और यहां पे क्या लिख देना है, 7 सेंटीमीटर। जैसे यहां पे 4 सेंटीमीटर किया था ना, तो यहां पे कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमें लिख देना था और मैंने यहां पे लिख दिया, द वैक्स कलर इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, इजी हो गया, ठीक है, बहुत इजी है ये। अच्छा, उसके बाद ये क्या करना है, इस क्वेश्चन में डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है भाई, अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, नाउ लुक एट द स्केल, लुक एट स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव। जो आपके पास जो स्केल होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, तो उसमें बताओ भी ये कितने तक काउंटिंग होती है। ऐसा स्केल होता है ना सबके पास, तो यहां 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे देखना कितने तक काउंटिंग है। तो बेटा ये 15 तक काउंटिंग होती है इसके अंदर, इट मींस जो आपके पास जो स्केल होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, वो होता है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का होता है, ये होता है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये स्केल ड्रॉ कर लेना अच्छे से, अपने स्केल को देख करके स्केल ड्रॉ करना और आंसर लिख दोगे 15 सेंटीमीटर। जैसे क्वेश्चन है, नाउ लुक एट द स्केल दैट यू हैव इन ए इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, तो अब जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल है उसके बारे में पूछा गया है, फाइंड इन ज्योमेट्री बॉक्स हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव, तो आपकी इसकी लेंथ बतानी कितनी सेंटीमीटर है। तो ये कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। कैसे पता लगेगा, ज्योमेट्री बॉक्स को खोलो, उसमें देखो स्केल को, ठीक है, कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर का लंबा होगा, ठीक है। इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, यानी कि 7th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये देखो ये स्केल है ना, ऐसा स्केल है आप लोगों के पास, तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था, सिमिलरली ये स्केल आपको ड्रॉ कर देना था। ये कितने सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का, यहां से स्टार्ट होकर के और ये एंड यहां पे हो रहा है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी कि इसमें क्या करना था, नीचे ड्रॉ करना था। ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया ना, ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो यहां पे इसको ड्रॉ कर लेना इस वाले को, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट आर द लिटिल लाइंस, लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर, ये जो छोटे छोटे लिटिल लाइंस, ये बिगर लाइन है, दिस इज यूज्ड फॉर द सेंटीमीटर, ये वाला जो बड़ा लाइन है किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है सेंटीमीटर का, जो बीच बीच में छोटे छोटे लाइन है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये किस लिए यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सिंपल है, व्हाट आर द लाइन लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं आपको ये बताना है। तो आंसर में लिख सकते हो, द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल आर यूज्ड टू मेजर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, किसके लिए, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, किसके लिए यूज होता है ये, स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए, स्मॉलर ऑब्जेक्ट विद द प्रीसियस, यानी कि जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तो आप सेंटीमीटर यूज कर रहे हो, और जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम स्मॉलर लाइन यूज करते हैं। और ये जो स्मॉलर लाइन है बेटा, ये होता है, इसको बोलते हैं मिलीमीटर, इसको बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं मिलीमीटर बोलते हैं इसे, और 1 मिली, ये जो 10 मिलीमीटर जब कंबाइंड हो जाते हैं, 10 मिलीमीटर जब कंबाइंड होते हैं तब जाके 1 सेंटीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर जब कंबाइंड हो जाते हैं तब जाकर के वो 1 सेंटीमीटर बनते हैं। यानी इट मींस ये 0 से लेकर के 1 के बीच में, इस 0 से 1 के बीच में ऐसे छोटे छोटे 10 लाइंस होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे, और ये 10 मिलीमीटर जब कंबाइंड हो जाते हैं तब बनता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेना है, लिखने के बाद इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, और उसके बाद इस आंसर को नोट करना है। और जब ये आंसर कर लोगे तो लास्ट में जो मैंने ये जो की वो ये की पॉइंट बताया ना आप लोगों को कि 10 मिलीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो सकता है। यानी कि जो स्मॉलर लाइन जो हम यूज करते हैं स्केल के अंदर, वो किसके लिए यूज करते हैं, जो स्मॉलर थिंग है उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
चलो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, और इस क्वेश्चन को नोट तो भी करोगे लेकिन इसे घर में ट्राई भी करना है। कैसे? चलो पहले रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, लुक फॉर थिंग्स डेट आर, आपको कुछ थिंग्स देखनी है, कुछ सामान या कुछ ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। नंबर 1 जो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है, अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का मतलब है अगर ये आपके पास ये स्केल है तो यानी कि ये 0 ये रहा, ये देखो 0 यहां पे और 10 सेंटीमीटर मतलब इतना लंबा, ठीक है। पहले तो आपको अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको थिंग्स देखनी है, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेकर के इस तरह से 10 स्केल में यूज करना है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट बोला जा रहा है लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से लेस का मतलब है कुछ इस तरह से, ये जो 1 सेंटीमीटर यहां तक आ रहा है ना बेटा, यहां इससे भी छोटा, यानी कि 3 टाइप को आइटम हमें देखने हैं। एक तो ये जो फर्स्ट में बोला जा रहा है अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के अबाउट, नेक्स्ट आपको सेकंड में बोला जा रहा है कि भी अराउंड 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए, और लास्ट वाला बोला जा रहा है कि आपका जो ये होगा वो होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर, इट मींस ये मिलीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स बन गए क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये हमें करना है। तो भाई इसका आंसर लिख सकते हो, फर्स्ट 10 सेंटीमीटर की बात की जा रही है तो इसका आंसर लिख सकते हो भाई मोबाइल फोन जिससे आप ये वीडियो देखते हो, नेक्स्ट कॉम जो से हम हेयर वगैरह ठीक करते हैं, अपने बाल ठीक करते हैं, कंघी वगैरह वो बोल सकते हो, और नेक्स्ट हो सकता है कॉफी मग। तो ये 3 आइटम मैंने बता दिया आपको, क्या क्या, मोबाइल फोन, कॉम यानी कंघी, और नेक्स्ट कॉफी मग। तो ये 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अराउंड 10 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, अराउंड बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में आपका ये लंच बॉक्स हो सकता है, वाटर बॉटल हो सकता है, और नेक्स्ट रूलर हो सकता है। लंच, वाटर बॉटल्स एंड रूलर, ये चीजें आपकी इस किसके अंदर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी कि 10 टू 20 सेंटीमीटर के बीच की, यानी कि 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, मतलब 10 से 20 के बीच में कितना भी हो सकता है। जो आपका स्केल होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, वो आपका 15 सेंटीमीटर का होता है। तो भाई ये तो आ ही गया स्केल यानी रूलर, और वाटर बॉटल देख लेना, और नेक्स्ट टिफिन बॉक्स यानी लंच बॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। तो भाई चींटी होती है ना, वो होती है 1 सेंटीमीटर से छोटी, ठीक है, यानी अंट, मॉस्किटो, हाँ भाई मॉस्किटो भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और भी कुछ पियर्स हो गए, टर्मिट्स हो गए, ये कुछ चीजें हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से भी लेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आप लिख सकते हो कि सर हमारी शर्ट जो है उसका बटन भी 1 सेंटीमीटर से छोटा है, या कुछ और भी चीजें जो आपको आसपास दिखती हैं वो लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था, फर्स्ट में अराउंड 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट पूछा गया 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच का बताओ, और नेक्स्ट बोला गया लेस देन 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटा बताना है भाई, ठीक है। और इसमें अबाउट 10 सेंटीमीटर, और ये 10 से 20 के बीच का होना चाहिए, 10 टू 20 सेंटीमीटर इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन था जिसमें इनके नाम लिखने थे, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, चाहो तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर किसी को मन कर रहा है सर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके करें, हाँ भाई बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम ड्रॉ करने का मन कर रहा है कि ड्रॉइंग करके काम करने का मन कर रहा है, तो ड्रॉइंग कर सकते हो, ठीक है। तो ड्राइंग अगर किसी को करके करने का मन कर रहा है तो इन सब चीजों की ड्राइंग भी बना सकते हो, स्केल यूज करके और पेंसिल को शार्प करके करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है, देखो ये बच्ची दिख रही है, और इसके हाथ को ठीक से देखो, इसके बारे में आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, विच इज लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर, यानी कि ये जो इसके हाथ है ये तो थंब हो गया, ठीक है,
और लिटिल फिंगर कौन सी है? ये दिस वन लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों को कंपैरिजन करना है, थंब को और लिटिल फिंगर। आप चाहो तो अपने हाथ में भी कंपैरिजन कर सकते हो कि लिटिल फिंगर को और थंब को कंपैरिजन करना है। और ये बताना है कि विच वन इज लॉन्गर, कि लंबा कौन सा लग रहा है, जिसकी लेंथ ज्यादा है। तो मुझे तो भाई ये जो ना लिटिल फिंगर, ये मुझे लेंथी लग रहा है, ये थोड़ा टॉलर है इससे, है ना, ये कुछ ज्यादा लंबा लग रहा है मुझे। तो मैंने आंसर यहां क्या लिखा है, लिटिल फिंगर इज लॉन्गर। मैंने आंसर क्या लिख दिया, लिटिल फिंगर इज लॉन्गर। तो सब बच्चे क्या करेंगे, घर में स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे अपने फिंगर को, कौन सी फिंगर, लिटिल फिंगर, लास्ट वाली फिंगर, और इसके अलावा थंब को भी मेजर करेंगे। तो जो भी आपकी थंब की लेंथ आएगी, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई थंब की लेंथ कितनी आई और लिटिल फिंगर की कितनी आई, ये भी मुझे जरूर बताना। ठीक है, ये कितनी आई बताना और ये कितनी आई। सपोज मैं वैसे अंदाजे से बता रहा हूं मैं कि भाई मान लेते थंब की आ रही है 7 सेंटीमीटर। सपोज मैंने तो अपनी तरफ से ऐसी मैंने मान लिया, आपका आंसर क्या आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये मान लेता हूं भाई 9 सेंटीमीटर आ रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है आपका आंसर आए, आपका जो आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपका अंगूठा और आपकी उंगलियों को मेजर नहीं किया है भाई। तो जो मेजर करोगे वो मुझे बताना कि थंब की लेंथ कितनी आ रही है और लिटिल फिंगर की लेंथ कितनी आ रही है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं चेक करूंगा। और फिर बताना है कि भाई विच वन इज लॉन्गर। तो मैंने लिख दिया यहां पे कि लिटिल फिंगर इज लॉन्गर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर मुझे जरूर बताना, इजी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, पर है इजी। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद करना, अभी नोट नहीं करने लग जाना, पहले समझ लो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, काम बहुत इजी है, मजेदार है, कुछ कुछ काम अभी करने के लिए भी दूंगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है, देखो, गेस द लेंथ, आपको क्या करना है, गेस करना है लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, चेक इफ योर गेस इज करेक्ट, कैन यू यूज स्केल, स्ट्रिंग, मेजर और टेप और एक्सेट्रा। आप चाहो तो फिर बाद में इसको टेप, मेजरिंग टेप जो होता है ना घर में होता है टूल बॉक्स वगैरह में, उसकी भी हेल्प ले सकते हो, स्केल भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये बाद में, पहले गेस करना है। किस किस के लिए गेस करना है, अब एक बार आंसर में देखो भाई, मैंने कुछ आइटम्स लिखे हैं, फर्स्ट नोज को मेजर करना है, सेकंड विस्ट यानी कि आपके हाथ की कलाई जो है उसको मेजर करना है, नेक्स्ट आपका हेड, इसको मेजर करना है, और फोर्थ आपको जो मेजर करना है, फोर्थ में आपको ईयर, अपने ईयर को भी मेजर यानी कान को मेजर करना है, और फिफ्थ मेजर करना है आपने हैंड, ठीक है, टिप ऑफ लिटिल फिंगर टू विस्ट। तो यानी कि आपको जो क्या नाम है, जो हैंड मेजर करना है, आपका जो आपके हाथ में जो बहुत सारी उंगली है उसमें जो लिटिल, जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर से स्टार्ट करके यानी कि टिप ऑफ मिडल फिंगर टू द वेस्ट यानी कि ऊपर तक मेजर करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस सब की लंबाई मेजर करनी है। तो मैंने एक अंदाजे से एक आंसर लिखा है कि भी मैंने जो पहले गैस, पहले क्या करना है, मेजर करना, उसके बाद अपना भी मेजर करना, अपने फ्रेंड का भी मेजर करना है। तो भाई इसमें क्या करोगे, स्केल यूज करोगे, अपना नोज मेजर अकेले तो कर नहीं पाओगे, तो घर में किसी और की हेल्प लेने और उसे बोलना कि भी मेरी नोज को मेजर करो कितनी लेंथ है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली यानी कि एक अंदाजे से आंसर लिख रहा हूं कि 3 सेंटीमीटर मेरा आ गया और मेरे फ्रेंड का कितना आया, मेरे फ्रेंड का आ गया 4 सेंटीमीटर। अब कहोगे सर हम लोग तो अपने फ्रेंड से भी मिल नहीं पा रहे हैं, कैसे करें, तो फ्रेंड की जगह अपने फादर भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, माय फादर्स मेजरमेंट, फादर भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर फादर नहीं लिखना चाहते हो तो मदर का भी कर सकते हो, तो वो भी तो फ्रेंड है ना, फादर्स या मदर्स की मेजरमेंट भी यहां लिख सकते हो। अगर कोई आस पड़ोस में कोई फ्रेंड है तो उसकी भी कर सकते हो, अगर वो नहीं है कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स का भी कर सकते हो। तो किस किस को मेजर करना है, फर्स्ट आप जो मेजर करोगे नोज मेजर करोगे, देन व्रिस्ट मेजर करोगे, उसके बाद हेड मेजर करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर मेजर करोगे, और बिल्कुल लास्ट में फिफ्थ नंबर पे हैंड मेजर करो। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि भी ऐसे ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ये मैंने एक अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको आंसर बताए हैं कि भी ऐसा ऐसा आंसर आ सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी बॉडी का मेजरमेंट करवाओगे, किससे, घर में किसी बड़े की हेल्प लेकर के।
ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। क्या क्या मेजर करना है? नोज, रिस्ट, हेड, ईयर एंड हैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। स्केल भी यूज कर सकते हो या फिर मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतने ही, यानी कि 10 क्वेश्चन ही आज के लिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो जो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने करवाया आज, लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो आज मैंने जो स्टार्ट किया था आपका ये बताया कि भाई आज हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट आपकी बुक का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और ये फर्स्ट पार्ट है। और स्टार्ट जो हमने किया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आर्म्स को मेजर करना है। ठीक है, और उसके बाद अपनी मदर के आर्म्स को मेजर करना है और फिर डिफरेंस करके लिख देना है, ये बताया था। उसके बाद हमने किया कि भाई ये जो पाथ है, यानी कि ये जो बच्चा है डॉर्जी, डॉर्जी ने कैसे यहाँ रोड को क्रॉस किया, इसके बारे में। तो हम लोगों ने जो मेजर किया वो 8 सेंटीमीटर लेंथ, यानी 8 स्टेप इसके आ रहे हैं शूज के हिसाब से, 8 स्टेप में ये यहां पहुंच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने टेबल वाला क्वेश्चन किया कि नंबर ऑफ कप कितने लगा सकते हैं, तो हम लोग देखा 8 कप लगा पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये पोर्ट वाला क्वेश्चन किया कि नंबर ऑफ पोर्ट ड्रॉ करना था, जिसमें 6 पोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने किया ये शर्ट वाला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ शर्ट हम कितने हैंग कर सकते हैं, तो वो 3 शर्ट हम लोगों ने हैंग कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने लीफ को मेजर किया और इस कलर जो क्रॉन्स कलर आप लोगों के पास होते हैं उसको मेजर किया और एक स्केल को मेजर किया। ठीक है, इसके बारे में किया। और नेक्स्ट हमने स्केल में ये देखा जो छोटी छोटी जो लाइन होती है, स्मॉलर लाइन होती है, जो कि मिलीमीटर कहते हैं हम जिसको, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और हाँ, मैंने एक बात और बताई कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो ये याद भी रखना है। और इसके बाद जो 8 क्वेश्चन में हमने ये थिंग्स के बारे में पढ़ा कि भी कोई 10 सेंटीमीटर, कोई 10 से 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लेंथ की थिंग्स क्या क्या हो सकती है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को ड्रॉइंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने लिटिल फिंगर और थंब को लेंथ को मेजर किया और गैस किया कि भी किस कौन सा लॉन्गर है। तो मैंने बता दिया भी कि लिटिल फिंगर मेरा तो लॉन्गर है। और लास्ट में ये 10th क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने कुछ समझाया आप लोगों को नोज, रिस्ट, हेड, ईयर और हैंड के बारे में कि भी इसको मेजर करके अपना आंसर फिलअप करना है। पहले करना है अपना, यानी कि माई मेजरमेंट, और उसके बाद माई फ्रेंड्स मेजरमेंट। फ्रेंड नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, मदर और फादर की भी कर सकते हो मेजर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ये वीडियो। ठीक है, इस क्लास में हम लोगों ने इतना किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने पूछे हैं उसे भाई कमेंट बॉक्स में सबको बताने हैं, अभी मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।